नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के चित विश्राम में गत शुक्रवार की शाम घटित घटना में दोनों पक्षों ने नगर उंटारी थाने में एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने दीपक सोनी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोप में कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आगजनी से पीड़ित दीपक सोनी ने गांव के ही कसमुद्दीन अंसारी के विरुद्ध गाली गलौज करने से मना करने पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष के कसमुद्दीन अंसारी ने भी दीपक सोनी एवं राहुल सोनी दोनों के शराब बेचने का विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दीपक सोनी के फर्द बयान के आधार पर कसमुद्दीन के विरुद्ध भादवी की धारा 323, 341, 307, 326, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज किया है, जबकि कसमुद्दीन के फर्द बयान के आधार पर दीपक सोनी और राहुल सोनी धारा 323, 341, 504, 506 व 34 भादवी के तहत एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गढ़वा भेज दिया है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कसमुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। विकास कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।